तो स्टूडेंट, कल के क्लास में हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम शुरू किया था। हमने कल पढ़ा था कि एक्चुअली बॉक्साइट और ये एल्यूमिनियम की मेन ओर है, बराबर है। जनरली एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते समय दो स्टेप्स हमें कैरी, मतलब दो स्टेप्स में इसका एक्सट्रैक्शन होता है। तो कल के क्लास में हमने पहली जो स्टेप थी कॉन्सनट्रेशन ऑफ द ओर ऑलमोस्ट स्टडी की है, ओके। और कॉन्सनट्रेशन ऑफ ओर बेसिकली दो लीचिंग प्रोसेस से की थी, उसमें बेयर प्रोसेस और दूसरा एक हॉल्स प्रोसेस थी। और फाइनली बेयर प्रोसेस में और हॉल्स प्रोसेस में जो भी प्रोडक्ट हमें मिला था, कौन सा प्रोडक्ट मिला था बेयर प्रोसेस और हॉल्स प्रोसेस में? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और फिर उस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हमने कैल्सिनेशन किया था एंड फाइनली वी गेट द प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड और वी मे से दैट एल्यूमिना। तो बेटा बेयर प्रोसेस में या जो कॉन्सनट्रेशन ऑफ द ओर में हमने इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट किया और फाइनली हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिला, Al2O3। ओके, अभी भी मतलब हमें एल्यूमिनियम मिला नहीं है। तो अब एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो प्योर एल्यूमिना आपको मिला बेयर्स या हॉल्स प्रोसेस में से या कॉन्सनट्रेशन ऑफ द ओर में से, अब इसका एक्चुअली इस में से मतलब एल्यूमिना से हमें एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है। एंड इट इज़ डन बाय द सेकंड स्टेप, इसको हम बोलेंगे सेकंड स्टेप। कॉन्सनट्रेशन ऑफ द ओर इज अ फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ द एल्यूमिना। अब यहाँ पे आपको हेडिंग दिखाई दे रहा है कि सेकंड स्टेप हम स्टडी कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम हम स्टडी कर रहे हैं, उसमें से इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना व्हिच इज द सेकंड स्टेप ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, पहली कॉन्सनट्रेशन ऑफ द ओर थी। तो अब एल्यूमिना का एक्सट्रैक्शन, अब एल्यूमिना कहाँ से मिला हमें? हम बॉक्साइट ओर का हमने कॉन्सनट्रेशन ऑफ ओर किया बेयर प्रोसेस से, हॉल्स प्रोसेस से, और उसमें हमें एल्यूमिना मिला था। कल हमने यहाँ तक डिटेल स्टडी किया। अब उस एल्यूमिना का या एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हमें क्या करना है? इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। लेट्स सी हाउ इट इज हाउ द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हैज बीन टेक्स प्लेस ऑफ प्योर एल्यूमिना। लुक एट दिस फिगर एज यू सी इन द स्क्रीन। एक्चुअली जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है एल्यूमिना का विच इज़ इन अ मोल्टन स्टेट, इट कैन बी कैरिड आउट इन अ स्टील टैंक। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सेटअप पूरा के पूरा, तो ये स्टील टैंक से बना है, राइट? मतलब ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम किस में कर रहे हैं? स्टील टैंक में। स्टील टैंक में ये जो स्टील टैंक का जो इनर एज है या इनसाइड में जनरली आपको ग्राफाइट की लाइनिंग दिख रही है, राइट? इन दिस स्टील टैंक देर इज़ अ लाइनिंग ऑफ ग्राफाइट। आप देख सकते हो यहाँ पे ये ग्राफाइट की लाइनिंग्स आपको दिखाई दे रही है, विच एक्ट एज अ कैथोड। मतलब ये जो ग्राफाइट की लाइनिंग है वो क्या करके एक्ट हो रही है? कैथोड। कैथोड इज द निगेटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड को हम क्या बोलेंगे? निगेटिव इलेक्ट्रोड। ग्राफाइट की लाइनिंग आपको इनसाइड में या इनर लाइनिंग्स आपको दिख रही है ग्राफाइट की, राइट? एंड इट एक्ट एज अ कैथोड, मतलब निगेटिव इलेक्ट्रोड करके एक्ट हो रहा है। देन आफ्टर यू विल सी दैट दीज आर द कार्बन रॉड्स और यू मे से दैट ग्राफाइट रॉड। दे आर डीप इन दिस वॉट मोल्टन सोल्यूशन और द फिल्ट्रेट। यहाँ पे जो भी फिल्ट्रेट है इसमें, एक्चुअली स्टील टैंक में हमने एल्यूमिना लिया है, इस स्टील टैंक में हमने क्या लिया है? एल्यूमिना लिया है। तो ये जो ग्राफाइट या कार्बन रॉड, कार्बन रॉड और ग्राफाइट रॉड किस में डीप हुए हैं? मोल्टन एल्यूमिना में। मतलब जो भी सॉल्यूशंस या जो फिल्ट्रेट हमने, जिसका हमें एक्सट्रैक्शन करना है, जिसका रिडक्शन करना है, वो हमने यहाँ पे लिया है, उसमें एक ग्राफाइट रॉड डीप है एंड इट एक्ट एज अ एनोड। दे आर पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड, एल्यूमिना में डीप किए हैं और एनोड करके एक्ट हो रहे हैं। मतलब कार्बन रॉड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ग्राफाइट रॉड, दे एक्ट एज अ एनोड एंड ये इनर लाइनिंग है जो ग्राफाइट की बनी है। मतलब ग्राफाइट इज अ एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन, राइट? तो ये इट एक्ट एज अ कैथोड एंड इट एक्ट एज अ एनोड। और जो एल्यूमिना है जो हमने यहाँ पे स्टील टैंक में लिया है, इस तरह से बेटा ये सेटअप है और यहाँ से ये इलेक्ट्रिक कनेक्शन। अब इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमें यूज़ करना है। सो इस तरह से ये सेटअप है। लेट फर्दर प्रोसीड। एज यू नो दैट द प्योर एल्यूमिना हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर दैन 2000 डिग्री सेल्सियस। प्योर एल्यूमिना का या एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 2000 डिग्री सेल्सियस है। अब ये मेल्टिंग पॉइंट, अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आपको करने के लिए ये मेल्टिंग पॉइंट क्या करना पड़ेगा? लोअर करना पड़ेगा। सो टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट फ्रॉम 2000 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस, यू मे ऐड फ्लोरोस्पोर एंड द क्रायोलाइट इन दिस इलेक्ट्रोलाइट। जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन आपने एल्यूमिना का लिया, उसमें आपको ये 2000 मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिना का है,
उसमें मोल्टन क्रायोलाइट और एक फ्लोरोस्पार। मोल्टन क्रायोलाइट का फार्मूला Na3AlF6 और फ्लोरोस्पार उसका CaF2। ये दो इलेक्ट्रोलाइट आपको क्या करना पड़ेगा, उस इस इलेक्ट्रोलाइट में ऐड करना पड़ेगा, एक मोल्टन क्रायोलाइट और दूसरा फ्लोरोस्पार। फॉरवर्ड पर्पज सो एज टू डिक्रीज द टेम्परेचर, सो एज टू लोअर द टेम्परेचर फ्रॉम 2000 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये दो चीज़ें या दो फ्लोरोस्पार और क्रायोलाइट किस लिए ऐड कर रहे हैं बेटा, सो एज टू लोअर द टेम्परेचर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना है तो टेम्परेचर आपको नियर अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस तक चाहिए। ओके, नाउ सी हाउ द प्रोसेस हैज बीन कैरीड आउट। अब इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट हमने ये सेल में से या जो भी है इलेक्ट्रिक सप्लाई देके इलेक्ट्रिक करंट हमने इस मोल्टन सॉल्यूशन में, एल्यूमिना के सॉल्यूशन में या इलेक्ट्रोलाइट में पास किया। सो व्हाट यू नोटिस, इलेक्ट्रोलिसिस हैज बीन टेक्स प्लेस। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस होते समय एक ऑक्साइड आयन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसमें, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में से ऑक्साइड आयन सेपरेट हो जाएगा और एल्यूमिनियम का आयन सेपरेट हो जाएगा, राइट। ऑक्साइड आयन O2 माइनस एंड देन एल्यूमिनियम Al3 माइनस, ये आयन्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। अब ये ऑक्साइड आयन्स राइट, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस होने के बाद सेपरेट हो जाएगा, तो ये कहाँ पे जाएगा, इट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द एनोड्स व्हिच इज ऑफ द कार्बन रॉड। कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, एनोड्स, और वहाँ पे ये क्या होगा, तो एनोड पे लुक एट दिस एनोड रिएक्शन, एनोड और कैथोड की रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती है। तो एनोड पे ये ऑक्साइड आयन बेटा वहाँ पे रीच होगा और वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, राइट, मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करके इट गेट कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सीजन, मतलब कार्बन रॉड पे शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा वो, कार्बन रॉड पे और एनोड पे, और एनोड इज मेड अप ऑफ द कार्बन, यू नो दैट। तो ऑक्सीजन बेटा ये निगेटिव आयन है, कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, और वहाँ जाके ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे और इट गेट कन्वर्टेड टू द ऑक्सीजन। किसमें कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन। एट द सेम टाइम एल्यूमिनियम आयन, राइट, एल्यूमिनियम आयन वो भी फॉर्म हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस से। तो जनरली एल्यूमिनियम आयन क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म द एल्यूमिनियम, इसको हम रिडक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब रिडक्शन। तो एल्यूमिनियम आयन का कन्वर्शन किस में करना पड़ेगा, एल्यूमिना में। अब एल्यूमिना इज डेंसर दैन दिस इलेक्ट्रोलाइट, जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हमने यहाँ पे लिया है वो डेंसर है एज कम्पेयर टू दिस इलेक्ट्रोलाइट। तो एल्यूमिनियम बेटा कहाँ पे आ जाएगा, टैंक में नीचे आ जाएगा। एल्यूमिनियम आयन का कन्वर्शन एल्यूमिनियम में हो गया एंड इट मूव्स डाउनवर्ड एट अ स्टील टैंक। ओके, ये इस तरह से स्टील टैंक में, एज इट इज अ डेंसर दैन दिस इलेक्ट्रोलाइट, जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन उसमें से ये एल्यूमिनियम डेंसर है इसलिए नीचे आ जाएगा, राइट। अब नीचे आके यहाँ से हम टाइम टू टाइम एल्यूमिनियम को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से एक्चुअली एल्यूमिनियम क्या हुआ, सेपरेट हुआ, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्ट हुआ, यहाँ से हम एल्यूमिनियम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से एल्यूमिनियम एक्चुअली हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम देख रहे हैं, बराबर है, मतलब एल्यूमिनियम को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। अब याद करो कल के क्लास में हमने देखा था कि एल्यूमिनियम की ओर बॉक्साइट है, बॉक्साइट ओर का फार्मूला याद करो, सबसे पहले बॉक्साइट ओर में से हमने एल्यूमिना बाहर निकाला बाय द बेयर प्रोसेस, हॉल प्रोसेस, फिर एल्यूमिना का हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन आज हम सीख रहे हैं या कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के बाद अब आपको फाइनली क्या मिला, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मिला मोल्टन स्टेट में, राइट, मोल्टन एल्यूमिनियम व्हिच इज डेंसर, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट मूव्स डाउनवर्ड इन अ स्टील टैंक एंड टाइम टू टाइम वी गेट दिस एल्यूमिना। ओके, नाउ अब जो भी ऑक्सीजन है वो कहाँ पे जा रहा था, इस एनोड पे, एक्चुअली एनोड इज यूज बाय द, तो ऑक्सीजन कहाँ पे मूव हो रहा था, मतलब ऑक्सीजन आयन एनोड पे गया था और एनोड पे इट गेट कन्वर्ट इनटू द ऑक्सीजन एंड दिस एनोड इज मेड अप ऑफ द कार्बन। अब ऑक्सीजन उस कार्बन रॉड पे जा रहा है, मतलब एनोड पे जा रहा है, और एनोड किससे बना है तुम्हारा, कार्बन से, और कार्बन एंड ऑक्सीजन दे रिएक्ट, तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या होगी, कार्बन और ऑक्सीजन की क्या होगी, रिएक्शन होगी एंड दे फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए मतलब ऑक्सीजन कार्बन को क्या करेगा, यूज अप करेगा, तो टाइम टू टाइम आपको ये कार्बन रॉड क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन में क्या होगी, रिएक्शन होगी और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगी। तो
मतलब ये जो एनोड है, ये जो कार्बन रॉड है, वो क्या होगा, यूज ऑफ होगा। तो इसलिए क्वेश्चन में भी आस्क व्हाई इन द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना दैट एनोड्स आर रिप्लेस टाइम टू टाइम। एनोड को टाइम टू टाइम क्यों रिप्लेस किया जाता है, ऐसा बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या रीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन आयंस वहाँ पे होगा, वहाँ पे वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा और ऑक्सीजन कार्बन रॉड के साथ रिएक्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होती है, और इसलिए वो कार्बन रॉड जो है वो क्या होता है, यूज अप होता है। इसलिए हमें उसको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो ये हो गया बेटा तुम्हारा इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ द एल्यूमिना। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, लुक एट दिस, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे कि मैंने बताया था, कार्बन एनोड्स आर ग्रेजुअली ऑक्सीडाइज और कंज्यूम ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रहा है, तो कार्बन क्या हो रहा है यहाँ पे, कंज्यूम हो रहा है ना, या ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसलिए टाइम टू टाइम उसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, राइट। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो स्टूडेंट, हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना हमने देखा है और फाइनली हमें क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। तो इस तरह से एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हमने पढ़ा है, एल्यूमिनियम को हमने क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया है। एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन बेसिकली ओर के बारे में मैंने बताया आपको, राइट राइट मतलब एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते समय जो मेन ओर है एल्यूमिनियम की, वो है तुम्हारी बॉक्साइट ओर। दो स्टेप में एक्सट्रैक्शन होता था, पहले क्लास में हमने पहली स्टेप स्टडी की है, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, और आज के क्लास में हमने सेकंड स्टेप स्टडी की है इसकी, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ द एल्यूमिना। आई होप आपको ये दोनों स्टेप्स समझ में आए होंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इफ यू सी द बोर्ड क्वेश्चन पेपर्स, सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन इज आस्क ऑन दैट पोर्शंस। ओके, सो दैट्स वाई दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्रिपेयर्ड इट, थैंक यू।